कोरिया जिले के चर्चा थाना के अंतर्गत आने वाले शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 5 फरवरी के मध्य रात्रि चावल चोरी का मामला सामने आया था, जिसकी रिपोर्ट चर्चा थाना में दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि चेरवा पारा उचित मूल्य की दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर 300 बोरी चावल और 3 बोरी शक्कर चोरी कर लिया गया है। वही जब इस मामले में गंभीरता से पुलिस ने जांच शुरू की, तभी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जनवरी माह 2024 में खाद्य निरीक्षक के द्वारा उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया गया था, जिसमें 300 बोरी चावल कम हो ना पाया गया। इसके तहत ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि आरोपी गुलाब साहू और राजेश कुर्रे के द्वारा उस राशन की कमी को पूरा करने के लिए चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा गई थी। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी राम साहू और गुलाब साहू को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि इस मामले में एक आरोपी राजेश कुर्रे अभी भी फरार है, जिसको जल्द ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। 5 फरवरी को सूर्य खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित चेरवा पारा के अध्यक्ष हैं उमा शंकर, इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट कराया गया कि 4 और 5 के दरमियानी रात को दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा 150 क्विंटल चावल और 1 किलो 50 किलो शक्कर की चोरी कर किया गया है। एक टीम का गठित किया गया और ये पता किया गया कि ये जो किया जा रहा है इसका ये मामला क्या है, तो इसी जांच में ये पता चला कि कुछ दिनों पहले फूड इंस्पेक्टर जो है इस सोसाइटी की जांच की थी और उन्होंने कुछ चावल इसमें कम पाया था, लगभग 170 किलो चावल का कम होना पाया गया था, जिसको मैनेज करने के लिए यही उमा शंकर राजवाड़े और जो वहाँ का संचालक है राकेश कुर्रे, इनके द्वारा इसको दबाने के लिए चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और त्वरित इस पर FIR कर इनको आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल।